पंजाब के जालंधर जिले के शंकर गांव का निवासी मोहम्मद जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी एनकाउंटर का चौथा आरोपी है। इस मामले में नई जानकारी देते हुए नकोदर के डीएसपी सुखपाल सिंह ने खुलासा किया है कि अख्तर पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट और हथियारों की चोरी के संगीन आरोप शामिल हैं। अब बात इस रिपोर्ट में इसी पर होगी कि कौन है जीशान अख्तर। जानकारी के मुताबिक जीशान अख्तर पर अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 9 मामले दर्ज हैं। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के अलावा हरियाणा में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2022 में जीशान अख्तर को जालंधर पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद से वो अपने गांव नहीं लौटा है। इस स्थिति को लेकर पुलिस अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की जांच में खास भूमिका निभा रही है और उन्होंने इससे संबंधित कई अहम सुराग भी जुटाए हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस की एक टीम ने जालंधर का दौरा कर यहाँ की पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर जाँच प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। जीशान अख्तर के अपराधों की जड़ें पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों तक फैली हुई है, जिससे ये साफ होता है कि उसका आपराधिक नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित है। पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा हुआ है। जीशान ने विक्रम बराड़ के कहने पर पंजाब में 2 डेरा प्रेमियों की रेकी भी की थी। सूत्रों के मुताबिक जीशान अख्तर सीधे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहता है और विशेष ऐप के माध्यम से उनसे बातचीत भी करता था। मोहम्मद जीशान अख्तर का संबंध पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल से भी है। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान को धमकी भरे चिट्ठी भेजने के मामले में पूछताछ की थी। पहले आपराधिक मामले में गिरफ्तार करने वाले पंजाब पुलिस के अधिकारी ने जीशान अख्तर के बारे में बातचीत की और ये भी बताया कि सौरभ महाकाल जीशान के घर पर आकर ठहरा भी था। तो फिलहाल के लिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा अपडेट है कि जीशान अख्तर जो इस कांड का चौथा आरोपी है वो है कौन और उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.